नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। डीएमके के सांसद ए राजा ने भगवान राम और भारत माता के ऊपर बयान दिया कि वे कभी जय श्री राम और भारत माता को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि यह लोकसभा चुनाव का फ्रस्ट्रेशन है। वे बोले कि यह उनकी पीड़ा है और कुछ दिनों बाद वे कहेंगे कि भारत एक कुआं है और फिर वे कहेंगे कि यह कटोरी का पानी है। यह उनकी हार है क्योंकि वहां भाजपा आ रही है, पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है, हमारी सीटें दक्षिण में बढ़ गई हैं, चाहे वह तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो या तमिलनाडु हो। यह उनकी पीड़ा है क्योंकि वे पागल हो चुके हैं और यह उनके दिवालियापन को दर्शा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, क्योंकि लोग हार रहे हैं, डीएमके पूरा हार रही है, हम लोग भाजपा का कमल तमिलनाडु में खिल रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसको दिमागी पीड़ा बोलते हैं। इनको सबको डॉक्टर, दिमागी डॉक्टर के पास जाना चाहिए।